नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमें जिन टीचर से पढ़ाया उनको हमारे सबके ऊपर इतना भरोसा था कि ये लोग बाहर निकल के कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का उस टाइम नियम ये था कि आप आर्किटेक्चर की डिग्री लगाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए और आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और आप पूरे भारत में किसी भी साइज का किसी भी प्रकार का बिल्डिंग प्लान सबमिट कर सकते हैं और सारे देश की म्यूनिसिपल कमेटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के रजिस्ट्रेशन के दम पर आपके नक्शे पास करेंगी। बोलचाल की भाषा में इसको नक्शा बोलते हैं। आज ये क्या चर्चा सुनने में आ रही है? आज ये चर्चा सुनने में आ रही है कि ये जो 450 आर्किटेक्चर कॉलेज है इससे जो बच्चे पास करके निकल रहे हैं इनमें वो बात नहीं। कौन सी बात नहीं है? ये हमसे ज्यादा सॉफ्टवेयर जानते हैं, हमसे ज्यादा इनको एक्सपोजर मिला है। उस जमाने में ल्यूफर्ड या टाइम सेवर स्टैंडर्ड बाहर से इंपोर्ट करने के लिए 4 महीने लग जाते थे। इन स्टूडेंट्स को किन लोगों ने पढ़ाया? मेरे एज ग्रुप के या मेरे से छोटे या मेरे से 2 साल बड़े? जिन लोगों को सतीश गौर ने पढ़ाया, रंजीत सिबिकी ने पढ़ाया, जे आर भल्ला ने पढ़ाया, जेपी कनविंदे ने पढ़ाया, उन लोगों को अपने पढ़ाए हुए बच्चों की काबिलियत पर शंका है? ये लोग शक करते हैं कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया वो काबिल नहीं है, उनका एग्जिट एग्जाम लिया जाए? इन लोगों को शंका है कि ये जो 450 आर्किटेक्चर कॉलेज है, 464 इसमें जो 25,000 बच्चे निकल रहे हैं वो निकृष्ट है? जिन आर्किटेक्चर कॉलेज को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अप्रूवल दिया, वहां पर इंस्पेक्शन करे, उसकी फैकल्टी की जांच करी और आज अधिकतर फैकल्टी में मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर जिन्होंने पास किया है वो लोग पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को जिन सीनियर्स ने पढ़ाया उन्होंने आपकी काबिलियत पर शंका नहीं की और आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप उनकी काबिलियत पर शंका कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने प्रपोजल दिया है कि आर्किटेक्ट एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे और उसमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस या एग्जिट एग्जाम के नाम से हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स ला सकें। क्या जो हमारे आसपास लोग पढ़े हैं, हमसे सीनियर हमसे जूनियर, उनमें वो काबिलियत नहीं है? अगर वो काबिल थे, वो काबिल हैं, तो उनके पढ़ाए हुए बच्चे काबिल क्यों नहीं होंगे? एग्जिट एग्जाम का मेरे हिसाब से जिसको थोड़ी समझ बूझ है उसका कभी समर्थन नहीं करेगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए, मेरे सीनियर दोस्तों को इस मामले पर विचार करना चाहिए और इस तरह का कोई भी प्रपोजल संसद में नहीं भेजना चाहिए। आपके सामने समस्या ये है कि जो फर्जी आर्किटेक्ट्स हैं, जिन लोगों ने आर्किटेक्चर की फील्ड में घुसपैठ करी है, उनसे आप क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स को बचाएं। आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप पढ़े लिखे आर्किटेक्ट्स की काबिलियत पर शंका करें। दोस्तों आप इस पर विचार करें और मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के विद्वानों से भी निवेदन है कि जब आपके सीनियर्स ने आप पर भरोसा करा, आप अपने पढ़ाए हुए बच्चों को भरोसा करें और इस तरह के किसी भी कोई भी ऐसा काम ना करें जो नए फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स के मार्ग में रुण अटकाता हो। नमस्कार।